व्हाट्स अप गाइस, की हाल चाल? बढ़िया साहब, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो आज ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद आने वाला है, ड्यू टू सम रीजंस, मैं भी बता दूंगा क्यों। अप्रॉक्स 2 वीक्स हो गए मेरे को लास्ट ब्लॉग डाले हुए, बिकॉज कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। जो एग्ज़ाम लास्ट थे वही मंथली टेस्ट था, जो भी था एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होते हैं, घर वालों को कैसे समझाऊँ। सो एग्ज़ाम था तो इसलिए उसे मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। तो आज है 25 सितंबर, 25 सितंबर है आज मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉग का पर्पस होने वाला है कि मैं 29 सितंबर को कहीं निकलने वाला हूँ, तो उस रीज़न से मैं एक मतलब प्रिपरेशन ब्लॉग बना रहा हूँ। ये आज संडे भी है तो और भी बहुत से काम होने वाले, देखते हैं कहाँ तक। और हाँ, नीचे जाके सबसे पहले मैं अपनी पैकिंग को कंप्लीट कर लेता हूँ, वो अभी आप देख लेना। सो चलो, तो पहले मैं कर लेता हूँ अपने पैकिंग को कंप्लीट, और आप सामान देख लो, सूटकेस का साइज़ देख लो, मुझे नहीं पता कैसे फिट आएगा, बट करना पड़ेगा कैसे भी। तो ये सारा सामान मेरे को लेना है, सब, ये 3 जूते, ये भी है, और भी कुछ ना कुछ छूटा होगा मुझको मालूम है, पता नहीं ये इतने कैसे आएगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई। ये जूते पूरा बैग जगह खा जा रहा है, सिर्फ ये 3 जूते, बाप। तो फाइनली माय पैकिंग वाज डन। भाई क्या घुसाया, अभी मैं दिखा रहा हूँ जिस मैं कैसे घुसाया हूँ। जूतों ने जो जगह घेरा मैं बता नहीं सकता। ओ बाय द वे, मैंने ये बैंड इसलिए लगाया होगा, आपने नोटिस किया होगा अभी, क्योंकि मेरे बाल जो है ना वो ऑकवर्ड स्टेज में है, अभी मैं कटवाऊंगा 2-3 दिन बाद, तब तक डेट्स वाई आई एम वेयरिंग दिस। चलो अब दिखाता हूँ मैं क्या मैंने कैसे ठूसा है। यहाँ पे देख रहे हो भाई, यहाँ भी कपड़े, यहाँ भी कपड़े, यहाँ भी कपड़े, ये जूतों ने भाई जो जगह घेरी है ना भाई, क्या बताऊँ। चलो हो गया है डन। तो अभी जस्ट मैं निकल रहा हूँ पी रोड के लिए, अभी भैया के बोले वहाँ जाना है, वहाँ से उनको कुछ सूट वूट का कपड़ा लेना है, 3 पीस बनवाना है शायद उनको। तो हाँ, पी रोड में काफ़ी सस्ता कपड़ा मिल जाता है, सो वहाँ निकलते हैं जल्दी से, मिलते हैं आपसे, बाहर निकल के मिलता हूँ मैं आपसे। तो अभी जस्ट मैं निकल रहा था, तो उससे पहले मेरे को मेरी आँख में चीज़ पड़ गई जो मैंने अभी बाय किया है फॉर ब्लॉगिंग पर्पज़, तो मैंने सोचा वो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। सो मैंने लिया ये बोया का M1 माइक, जो कि मेरे को 900 रुपये का पड़ा। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि बाहर मैं जब ब्लॉग करने जाता हूँ, लास्ट वीडियो में मैं बाहर गया था ब्लॉग करने, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है और किसी को पसंद नहीं आ सकती है। सो मैंने उसलिए ये माइक लिया है, बोया का M1। तो ये मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, मैंने घर पर तो इसको ट्राई किया है, बट मैंने कभी बाहर से ब्लॉगिंग अभी तक तो नहीं की है। तो मैं इसको 29 तारीख को पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, होप सो अच्छा हो। तो चलो यही बताना था मेरे को, तो मैं निकलता हूँ जल्दी से, निकल के आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, हो जा रहा है मतलब इसका, ये लीजिए, बैठ में दूसरे है ना, वो दे रहे हैं आपको, बैठ में दे रहे हैं आपको, बैठ में देखते। तो गाइज़ अभी बच चुके हैं शाम के 4 बज रहे हैं अभी जस्ट, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कहीं चला जाए, एग्ज़ाम भी कल ख़त्म हो गया, तो कभी कुछ आइडिया नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस बाहर दोस्त मेरे दो आ गए, मैं निकल रहा हूँ बस, अभी तक कोई आइडिया नहीं है। अभी मैं पी रोड भी गया था, वहाँ ज़्यादा कुछ मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ थोड़ी जल्दीबाजी में था और थोड़ा भीड़ भाड़ भी था, तो ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। देखते हैं भी निकलते, देखते कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, तो आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं जेड स्क्वायर घूम फिरा के। भाई अपन जेड स्क्वायर में आ तो गए हैं, बट चीज़ें बहुत महंगी है, मतलब भाई यहाँ चले भाई, तेरा घर जाएंगे इसमें, दे वहाँ चलते हैं। ओ भाई भाई, अच्छा भाई क्या कह रहे हो भाई? ये कह रहे कहाँ घूमने चल रहे भाई, इतना बड़ा मॉल खरीद रखा है तेरे भाई ने, घूम मेरी तरफ से तो घूम भाई। सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब? Thank you.
क्या कह रहा हूँ भाई? मॉर्टिन बैग रहे भाई, यहाँ जाए भाई, चलते हैं चलते हैं भाई, इसमें हम तीनों का घर जाएंगे। ठीक है भाई, कपड़ा दे दे। मैं स्टारबक्स में भाई, सस्ती जगह भाई, सस्ती जगह बहुत भाई, भाई करना पड़ेगा भाई। ये कुछ कहना चाहता है भाई, इतने मेरा आधा किलो प्रोटीन है, क्यों नहीं लिया? और भाई बड़े भाई, यहाँ तो सब स्टार के डब्बे में रहा है, दो तीन दिन पानी में पिया जाए भाई। भाई मेरा तो खत्म हो गया भाई, थोड़ा घूम लिया क्या? लेट्स पर इतनी दूर आए हैं तो पेपर खत्म हुआ है कल भाई, अपने नंबर बता देना भाई, ये पीसीएम लिया है इसने, कट कट भाई, मैंने सब कुछ किया है पर कभी इस हराम के साथ फोटो नहीं खिंचवाई। क्या भैया के साथ हो गया? चले भाई, अभी जैसे हम लोग घूम घाम के घर आए थे, देन याद आया मेरे को, मेरा एक दोस्त आ रहे हैं, उसका आज बर्थडे है तो वहीं जा रहे हैं। सो अभी मेरे को याद आया, वरना मैं भूल जाता है क्लिप डालना। सो अभी वहाँ जाते हैं, आने के बाद मैं ब्लॉग को एंड करूँगा। अरे यार, दो बोल रहे हैं, अरे यार तुम आ नहीं रहे हो। सोचो मैं अब घर आया हूँ, अभी बज रहा है रात के 10:30, मैं अब आके घर आ पाया हूँ। तो चलो, इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे 29 तारीख को एक नई जर्नी के साथ। विश मी लक, बाय बाय, मिलते हैं आपसे बाद में।